हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा सीए फाइनल लॉ 1.5 डे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका लॉ का पेपर फोर्थ पेपर है, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट पेपर है, तो वो एक्साइटमेंट लेवल हमारी अलग होती है कि एक ग्रुप का लास्ट पेपर, एक ग्रुप खत्म हो जाएगा कल। तो हमारा एक चीज हमें जरूर उस चीज पे ध्यान देना है कि हमें वो एक्साइटमेंट लेवल हमारे प्रिपरेशन को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि यस कल खत्म है, ग्रुप खत्म है, ग्रुप खत्म, लेकिन उस चक्कर में हम अलग ही इमेजिनेशन करने लगते हैं कि कल मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अलग अलग चीजें। लेकिन प्लीज इसका ध्यान रखना, ये चीज ना हो आपसे। आप लॉ ऑडिट का पेपर हो जाने के बाद तुरंत लॉ की पढ़ाई उतनी क्या बोलते हैं उतनी मन लगा के करोगे जितने आपने पहले तीन पेपर को 100% डेडिकेशन से किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका ऑडिट का पेपर हो जाने के बाद यू विल कम होम एट 5:30, अज्यूमिंग आपका नजदीक का सेंटर है, ट्रैफिक वगैरह रहेगा, तो 6 बजे तक घर आ जाना। ठीक है, तो 6 बजे तक घर आ गए, अज्यूमिंग हमारे वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आप 5:30 बजे घर आ जाओगे। 5:30 बजे घर आ जाने के बाद 5:30 से लेकर 6:30 आपको 1 घंटा चिल करना है, रिलैक्स करना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, टीवी देखो, सो जाओ, मम्मी से बात करो, जो करना है वो करो, पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करो, थोड़ा बॉडी को शांत कर लो, माइंड को शांत कर लो। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आप कोई भी वीडियो खोल के ये नहीं देखते हो कि आपका ऑडिट का पेपर कैसा था। ऑडिट का पेपर एनालिसिस वीडियो बिल्कुल भी नहीं मत देखना, क्योंकि अगर ऐसा आपको पता चलता है कि ऑडिट का एक क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन आपसे नहीं हुआ, या फिर एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था फिर भी आप कर नहीं पाए, तो आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, खुद का गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और उसका इंपैक्ट आपके आने वाले कल के लॉ के पेपर पे जरूर होगा, या फिर आप बोथ ग्रुप्स हो तो आपके सेकंड ग्रुप पे भी उसका इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऑडिट का पेपर कैसा था इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, ऑडिट का पेपर हो गया है, अभी हमारा फोकस होना चाहिए लॉ के पेपर पे, जो हमारा पेपर 1.5 में आने वाला है। तो ठीक है, तो ऑडिट का पेपर एनालिसिस नहीं देखना है, दिस वॉज टिप नंबर 1, यू शुड फॉलो दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती मैंने की थी और उसका मुझे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हुआ था, क्योंकि मैं बहुत डर गया था कि मेरा कुछ तो गलत हुआ है, तो ये गलती आप मत करना प्लीज। ठीक है, तो 6:30 बजे आपके बुक सारे बाहर आ जाना चाहिए, लॉ के जो भी आपके बुक्स है, कॉन्सेप्ट बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स, जो भी है, आप सारा बाहर लेके 6:30 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। नाउ 6:30 to 9:30 आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुन लो, 6:30 to 9:30 आपको करने है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, ये दो चैप्टर करने हैं। 6:30 to 9:30 हो जाते हैं 3 घंटे, तो 3 घंटे में कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, ये दो चैप्टर करने हैं। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से जरूर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 8 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, तो प्लीज इस चैप्टर को इग्नोर मत करना। ये फर्स्ट डे है हमारा ऑडिट करके, थ्योरी का बहुत दिमाग हेवी हो गया है, इसलिए मैं इस दिन थोड़ा कम ही सिलेबस रखने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन कल हमें जरूर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से पढ़ाई करनी है, तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, ये दो चैप्टर कर लो। फिर 9:30 बजे ब्रेक लेना डिनर के लिए, 9:30 से 10 डिनर कर लिया, 9:10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे वापस हमारे पास 2 घंटे बचते, तो 2 घंटों में हमें सेबी एलओडीआर ये चैप्टर खत्म करना है एंड वाइंडिंग अप करना है। लेकिन वाइंडिंग अप ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो वाइंडिंग अप के खाली क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, तो वाइंडिंग अप के क्वेश्चन में भी बहुत सा कवरेज हो जाता है उस टॉपिक का, तो वाइंडिंग अप के खाली क्वेश्चंस कर लो। सेबी एलओडीआर के कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस ऊपर से देखने की कोशिश करना, सेबी एंड एलओडीआर में पेनल्टीज या फिर छोटी छोटी चीजों की बहुत जगह रेफरेंसेस आएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये हमें वापस रिवाइज करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो हमारा पहला दिन हो गया, पहले दिन में हमारा 5 घंटे का पढ़े हो गया है, 5 घंटे में हमने कुछ ज्यादा हेवी किया नहीं है, हमने बस कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कर लिया, मिसलेनियस प्रोविजंस के क्वेश्चंस ऊपर से देख लिए, और फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, फिर सेबी एलओडीआर का हमने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्वेश्चन भी पढ़ लिए एंड वाइंडिंग अप के खाली क्वेश्चन कर लिए। तो हमारा आज हमें सो जाना है, 12 बजे सो जाओ, 12 बजे सोने के बाद 6 बजे उठ जाना, क्योंकि हमें कल 7 दिन सोना है, एग्जाम के एक दिन पहले, लॉ के एक दिन पहले हमें 7 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन आज हम 1 घंटा नींद कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं, तो आज हम 1 घंटा नींद कॉम्प्रोमाइज करके 6 घंटा सो रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 6 to 6:30 मॉर्निंग रूटीन, ब्रश करो, चाय पियो, रिलैक्स करो, फिर 6:30 बजे आपको पढ़ाई शुरू करनी है जोरों शोरों से और पॉजिटिव माइंड के साथ खुद को बताना कि यस लास्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, आई विल डू इट, आई विल गिव माई 110%। ठीक है, तो 6:30 to 10:30 4 घंटे एट अ स्ट्रेट आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 चैप्टर्स है, उन 3 चैप्टर का वेटेज और अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 marks है, आपको बताने की अलग से जरूरत है नहीं, यू ऑलरेडी नो, तो ये 3 चैप्टर है जो आपको लॉ में पास करवाने वाले। तो 6:30 to 9:30 बीओडी, अगेन 6:30 to 10:30 बीओडी, 4 घंटे एट अ स्ट्रेट, फिर 10:30 to 10:45 15 मिनट्स का ब्रेक लो एंड 10:45 से लेकर 1 बजे तक वापस 2 घंटे, 2.25 घंटे वापस बीओडी, तो बीओडी के लिए हम अप्रोक्सीमेटली रख रहे हैं 6.25 घंटे, 6 hours 15 minutes बीओडी थ्रू आउट, 6:30 to 10:30 4 hours बीओडी, देन 10:45 to 1 PM बीओडी अगेन, लेकिन 10:45 to 1 PM बीओडी आपका हो जाएगा तो आपके पास थोड़ा टाइम बचेगा, तो बीओडी होने के बाद आप आधे पौने घंटे में मिसलेनियस प्रोविजंस जो चैप्टर है ना उसके खाली क्वेश्चंस देख लो,
हमने ऊपर देख लिया है, पहले दिन क्वेश्चन देख लिए थे, लेकिन वहां पे थोड़ा हेवी हो गया था, इसके कारण आपने आपके शायद मिसलेनियस प्रोविजंस के क्वेश्चन छूट गए होंगे, तो वापस एक बार इधर देख लो, क्योंकि बीओडी का 6.25 घंटा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा टाइम आपके पास बचेगा, आधा पौना घंटा, तो मिसलेनियस प्रोविजंस के चैप्टर देख लो, क्वेश्चन देख लो, या फिर जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया जो कल हमने किया था उसमें से कुछ छूट गया होगा तो वो देख लो, क्योंकि उसके बाद तुरंत हम लंच करने बैठने वाले। तो क्या होता है हमारा, अगर बीओडी हो गया ना 6.25 घंटे के पहले तो आप रिलैक्स कर लोगे कि हाँ बीओडी हो गया अभी, तो बाद में जो आधा पौना घंटा बचता है वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल जो क्या था एक बार वापस देख लो, तो वापस वो हमारा रिवाइज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ये वापस हम एग्जाम को जाने तक देखने ही नहीं वाले। ठीक है, तो लंच हो गया आपका 1 बजे, आप लंच के लिए बैठ गए 1 से 1:30, 1/2 घंटा डू लंच इफ पॉसिबल, कुछ स्टूडेंट्स को पॉसिबल होता है, लंच करते करते भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, अगर नहीं पढ़ना है तो बुक्स रख लो, आधा घंटा लंच कर लो आराम से। Now 1:30 to 5:30 at the stretch 4 hours you have to start studying economic laws. Economic laws में 5 chapter है और economic laws के 5 chapter अभी हमें 1:30 बजे हम बैठेंगे ना, 1:30 से लेकर रात को हमें economic laws ही करना है, लेकिन कैसे करना है ये सुन लो। तो 1:30 to 5:30 at the stretch 4 hours economic laws कोई भी law उठाओ और start कर लो पढ़ना, फिर 5:30 to 6 आधा घंटा break ले लो, क्योंकि at the stretch 4 hours you will study 1:30 to 5:30 दिमाग थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो 5:30 से लेकर 6 बजे तक चाय वाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। Now 6 to 9 PM अगेन 3 घंटा एट द स्विच इकोनॉमिक लॉज ही कंटिन्यू करना, फिर वापस कितना हो गया, मतलब पहले 4 घंटे इकोनॉमिक लॉज हो गया, यहाँ पे वापस 3 घंटे एट द स्विच 7 आवर्स वी हैव डन इकोनॉमिक लॉज। ठीक है, 9 to 9:30 अगेन हैव डिनर एंड 9:30 to 11 डेढ़ घंटा हमारे पास वापस बचता है, वापस हमें इकोनॉमिक लॉज ही करना है, तो इकोनॉमिक लॉज के लिए हमने 8.5 घंटे रखे, 8 hours 30 minutes वी आर डूइंग ओनली एंड ओनली इकोनॉमिक लॉज, क्योंकि आईबीसी थोड़ा लेंदी हो जाता है, फेमा थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो टू बी ऑनेस्ट ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से ढंग से करने हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाला है, इकोनॉमिक लॉस का हर एक चैप्टर में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में लिखने को मिलेगा। आईबीसी में जो अमेंडमेंट हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में उस पे हमारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन आके गया है, तो इस बार पीपीआईआरपी पे क्वेश्चन आके गया है, तो इस बार प्रोबेबिलिटी कम है कि उस अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आईबीसी के अलग प्रोसीजर एस्पेक्ट से कोई भी क्वेश्चन उठा के आ सकता है, तो हमें 8.5 घंटे एट अ स्ट्रेच इकोनॉमिक लॉस करना है। लेकिन फिर भी अगर 9:30 to 11:30 जो इवनिंग का स्लॉट मैंने रखा है उसमें अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी जल्दी हो जाती है तो दिन भर जितना भी किया था जो भी आपको याद नहीं आ रहा कि यार ये छुट्टी तो रह गया, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो क्वेश्चन में देखा नहीं, वो एक बार देख लो, और फिर 11 बजे हमें उस दिन सो जाना है, 11 बजे सोने के बाद हमें सुबह उठना है 6 बजे, हमारे 7 घंटे नींद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज रात को 2-3 बजे तक मत पढ़ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा आपका ब्रेन और आपको लॉ या फिर आपके आंसर्स याद ही नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो 11 बजे सो जाना, 6 बजे उठ जाना, 7 घंटे सोने के बाद जब आप 6 बजे उठोगे 6 to 6:30 अगेन मॉर्निंग रूटीन, 6:30 स्टार्ट स्टडिंग। नाउ एट 6:30 हमें एग्जाम के दिन की बात कर रहा हूँ, एग्जाम के दिन हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये तीनों चैप्टर मैंने साथ में रखे क्योंकि ये तीन चैप्टर में बहुत से प्रोसीजर्स है जो थोड़े सिमिलर है, तो ये तीन चैप्टर्स में आपको बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से क्वेश्चन आया कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन से आया कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी से क्वेश्चन आया, क्योंकि इस तीन चैप्टर में कंफ्यूजन होने के पूरे चांसेस है, तो ये तीन चैप्टर आपको एट द स्टेज स्टार्ट करना है, सुबह 6:30 को स्टार्ट करना है पढ़ाई करना, अभी देखना ही नहीं कि इतने बजे मैं ब्रेक ले लूँ क्या, मैं उठूँ क्या, नथिंग। ठीक है, उसके बाद आपको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस करना है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख लो, और एनसीएलटी और ड्राफ्टिंग इसके ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख लो, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसलिए एग्जाम के दिन रखे, लेकिन आपका ये सब करके होना चाहिए 11:30 बजे तक, 11 बजे तक ही पकड़ लो, 6:30 to 11:30 एट द स्ट्रेच आपको 5.5 घंटों में ये सारे चैप्टर्स करने ही है उस दिन, ऊपर ऊपर से देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, क्वेश्चन देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, जैसे आपकी इच्छा है, मैं तो बोलूंगा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपने करते करते क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट 4 मार्क किए होंगे उन पे ज्यादा फोकस करना, सारे क्वेश्चन करते बैठोगे तो नहीं होने वाले। ठीक है, एट 11 PM यू शुड बी डन विद योर स्टडी, 11 AM यू शुड बी डन विद योर स्टडीज, लेकिन 11:30 से 12:30 बजे 1.5 आवर्स वी हैव स्टिल इन हैंड, क्योंकि 12:30 बजे के बाद हमें पढ़ाई करनी है नहीं, हमें जो भी नहाना है, जो भी खाना है, पीना है, जो भी करना है वो सब करके हम एग्जाम चले जाएंगे, तो 11 to 12:30 1.5 आवर्स वी हैव इन हैंड, तो इन 1.5 आवर्स में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर, जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि मैंने परसों पढ़ा था, कल सुबह सुबह उठ के बीओडी का पढ़ा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लूँ, ऐसा सारी चीजें जो जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है ना, वो इन 1.5 घंटे में आपको वापस देखनी है, उससे क्या होगा आपका एग्जाम बस 2-4 घंटे दूर है, और उसके पहले आप वापस वो चीज देख रहे हो, एक बार वापस आपके ब्रेन में आपके आईज वो फोटो ले रहे हो उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के, उन इंपॉर्टेंट पेजेस पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइन सेंटेंसेस जो भी आपने मार्किंग किए उनका हमारा दिमाग वापस फोटो खींचता है, और वो फोटो खींचने से हमें एग्जाम में उसका बहुत ज्यादा हेल्प होता है, छोटी मोटी चीजें आप पढ़ लेते हो जो आपके आपसे मिस हुई होंगी कल 1.5 डे स्ट्रेटजी में 1.5 डे के स्टडीज में, तो आपके दिमाग आपका ब्रेन आपके आईज वहां पे वो रीड कर लेते हैं, और हो सकता है वो सेम एग्जाम में एमसीक्यू बन के भी आ सकता है,
तो ये 11 से लेकर 12:30 डेढ़ घंटा जो है उसमें थक मत जाना कि अरे बहुत हो गया बहुत कर लिया अभी रिलैक्स करता हूँ, नहीं, ये 1.5 आवर्स में मैक्सिमम चीजें पेजेस पलटने की कोशिश करो, अच्छे से पढ़ पढ़ के पेजेस पलटो कि हाँ ये हो गया, ये देख लिया, कल मैंने ये पढ़ा था, परसों ऑडिट के पेपर से आने के बाद मैंने ये कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का ये आंसर पढ़ा था, ये मुझे याद है, ऐसी छोटी मोटी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगती है, जो जो डिफिकल्ट आपको लगती है, सेबी के जो मैंने बताया था छोटे मोटे परसेंटेजेस पेनल्टीज हो, वो सारी सारी चीजें देख लो इन 1.5 डे में, 1.5 आवर्स में ये सारी चीजें करनी है आपको, छोटी छोटी चीजें जैसे मैंने बताया अलग अलग स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, आपने कोई छोटी सी बुक बनाई होगी तो उसका हेल्प आपको जरूर होगा, ये अभी करना है 1.5 आवर में, ठीक है। तो 12:30 बजे आपका बुक बंद करके कबर्ड में रख देना, बैग में नहीं, एग्जाम हॉल पे बुक्स लेके जाने हैं नहीं, उससे फायदा होगा नहीं बिल्कुल भी। तो 12:30 बजे बी कॉन्फिडेंट कि मेरा एग्जाम का पढ़ाई हो चुका है, अभी बस एग्जाम में जाके मुझे मैक्सिमम एफर्ट्स डाल के बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू परफॉर्म एक्सलेंटली इफ यू फॉलो द शेड्यूल, ठीक है। तो इन सारी चीजें आप अगर फॉलो करोगे तो हमारा 25 आवर्स का पढ़ाई हो रहा है 1.5 डे में, विच इज आई थिंक वेरी गुड, 25 आवर्स ऑफ स्टडीज, 7 आवर्स ऑफ स्लीप वन डे बिफोर द एग्जाम, तो दिस इज सफिशियंट, दिस इज इनफ, एंड आई होप आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे और आपको उसका जरूर फायदा होगा, ठीक है। तो टिल देन कीप स्टडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।